जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में पांच और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, पांच और आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया. इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन. मैं और भी कुछ कर सकता था पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया बिकॉज जो वो कर रहे थे बहुत गलत. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं पांच लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस. मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू. नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल. वेट अ मिनट. चार वो हैं जिनको मैंने मारा है. तो किसने कुछ कहा था? हाँ कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे. कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? हाँ. मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ. हेलो फ्रेंड्स, इशू बॉय. तो यार मैं ना आज एक बड़े सीरियस टॉपिक पर बात करने लगा हूँ. मेरी एक गर्लफ्रेंड है, सब अच्छा भला चल रहा था, बेबी खाना वाना सब परफेक्ट था, पर दो तीन दिन पहले ना इसने नेहा छोड़ का ये वाला क्लिप देख लिया. हाँ वही लोडीज वाला. अब इसको भी पांच बॉयफ्रेंड चाहिए. वे तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, ये कहाँ से आई? छोड़ भाई, तू नहीं समझेगा ये. तो भैया सबके बाद मैडम ने एक पोस्ट डाला है जिसमें वो माफी नहीं मांग रही बल्कि बोल रही है कि मैं अपने स्टेटमेंट पर स्टैंड करती हूँ, लोटे का स्टैंड मेरा. ऊपर से भाई मीमर्स और रोस्टर ने तो दिल्ली जीत लिया मेरा इस बार. वो ली है मैडम की, वो वाली ली है ना, कि क्लास की बात कर रहा हूँ मैं. और भाई फुल बॉलीवुड नेहा चूतिया को सपोर्ट करने में लगा है, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा किया. और सोनम कपूर पोस्ट करती है, ऑफ पीपल आर ग्रोस, आई एम सॉरी अबाउट हेट नेहा तूपिया, नो वन डिजर्व इट इज व्हेन दे आर राइट. ओ भाई एक बार नोटिस किया, सच्ची यार कमाल हो गया. पहन दी से मैं इंग्लिश बोल रहा था. श्यार पति नहीं. अच्छा तो टॉपिक पर वापस आते हैं. तो यार इस मैडम के मुताबिक नेहा तूपिया ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल राइट है. और फिर बॉलीवुड के करण जो है ये कैसे पीछे रह सकते हैं? वी आर विद यू नेहा तूपिया. नहीं तुम तो सबके साथ ही हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, चाहे एक हो या पांच हो, वो अनन्या पांडे हो या फिर उसका स्ट्रगल कंट्रोल. और अगर बात की जाए रफ्तार बेबी की, तो यार जब से ये सब सीन हो रहा है तभी वो आराम से बैठे थे कि चुतियापा करो जितना करना है मुझे, क्या घंटा फर्क नहीं पड़ता. और बाद में इन्होंने ये भी बोला ना, दिल खोल के एक दरख्वास्त है बहुत दिल से कि प्लीज जिस पे मीम बनाने बनाओ, गाली देनी है गाली दो, मुझ पे बनाने मुझ पे बनाओ, मुझको गाली दो, पर उनके घर वालों को, उनके घर वालों के पेजेस पे, उनके बच्चों को वहाँ पर मत जाओ यार. फिर समझाने का क्या फ़ायदा? अगर आप भी गाली दे के ही समझा रहे हो तो फिर फ़र्क क्या है? तो आप दो मीम बनाओ यार, मज़े आ रहे हैं कुछ को तो देखने में, मुझे भी मज़े आ रहे हैं, शायद उनको भी आ रहे होंगे जिन पे मीम बन रहे हैं. पर वो जब घर वालों पे चले आते हैं ना, उनकी छोटी सी बच्ची है, उस छोटी सी बच्ची को क्या पता यार, डेढ़ साल की है तो उसको गाली दे रहे हो. अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप नेशनल टीवी पे गाली देते हो, उन्होंने भी गाली दी है, बाकी सब ने गाली दी है. तो देखो उन्होंने गाली दी है तो आप उनको गाली दो, मुझको गाली दो, पर फैमिली मेंबर्स ने तो नहीं दी ना, तो फैमिली मेंबर्स को बाहर रखो. दैट इज़ अ लॉजिकल पॉइंट आई एम सेइंग. आप लगे रहो यार. तो भाई रफ्तार तो खुद बोल रहा है कि मीम्स बनाओ, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, बनाओ यार मीम्स. पर हाँ यार गलती अगर इसकी है तो इसी पर बनाओ, इसके घर वालों को बीच में मत लाओ, इनका तो कोई कसूर नहीं ना इसमें. और मीम्स को इतने मीम्स बनाते जा रहे हैं कि जिधर भी जाओ, फेसबुक पर जाओ, इंस्टाग्राम पर जाओ, ट्विटर पर जाओ. हाँ तो यार अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ऐसे करो जैसे अपने बंदी को करते हो, और कमेंट में बताओ कि वीडियो की कौन सी बात आपको अच्छी लगी. और अगर चैनल पर नहीं हो तो अपना बिस्तरा ले आओ, इधर ही डेरा जमाते हैं. डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ अनलिमिटेड बकचोदी चलती रहती है, वहाँ फॉलो कर लो. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय. हेलो, नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल. रख रख तेरी मां की रख, ये तू इधर जान जा रही.